देखो अपन जो है ना, अपन ने मैथ्स में अभी कुछ चैप्टर तो चालू किया नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं कुछ जरूरी सूचनाएं, है ना। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे थे। अपन ने एक पढ़ा है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ लिया है एक, है ना। तो नंबर सिस्टम वो आपको पता होना चाहिए, नहीं देखा हो तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी आपकी, उसमें फिर से पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम पढ़ना। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था अपन ने, उसके बाद अपन इनइक्वेलिटीज, एक वेवी कर्व मेथड पढ़ा था अपन ने, जरूरत पड़ेगी पूरे साल भर। और एक फिर अपन पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसी के सवाल करने वाले हैं आज अपन। ये पढ़ा था, अच्छे से लिखते चलना जो जो समझ में आए। ये पढ़ा था कल अपन ने, इसको मॉडुलस एक्स बोलते थे अपन, ठीक है। और मॉडुलस एक्स का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको डिफाइन किया था अपन ने, इसको परिभाषित किया था। बताइए मॉड एक्स, मतलब ऐसे बताया था सबको, मॉड टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू ही रहेगी। और मॉड माइनस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ रहेगी तो टू ही, लेकिन वो टू कैसे आएगी, माइनस में माइनस टू, तभी माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। याद करना है, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव होगा तो फिर खुद मॉडुलस एक माइनस देगा, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो वैसा ही रहेगा। इसके बहुत सारे उत्पीड़न सवाल करने वाले हैं आज अपन, तो अच्छी तरीके से देखना, और पहले के लेक्चर आने ही चाहिए आपको। तो याद करना है, तो इसको परिभाषित कैसे करोगे, इसको डिफाइन कैसे करोगे, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स कब लिखोगे, जब एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर। अगर जैसे दो हो गया तो वैल्यू भी दो, दस है तो वैल्यू भी दस। लेकिन अगर इसकी वैल्यू माइनस दो होती, इसके अंदर एक्स लिखा होता माइनस दो, तो बताओ माइनस के अंदर माइनस दो प्लस दो हो जाएगा, और मॉड एक्स भी कितना आना चाहिए था, दो ही आना चाहिए था। ये कब लिखोगे, जब एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो से कम, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये सब अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, ये पूरी साल भर जरूरत पड़ेगी मेरे को, इसीलिए आपको ये शुरुआत में पढ़ा रहे हैं। फिर अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ये कुछ ऊटपटांग चीज़ें हैं जो आनी आनी चाहिए आपको। तो फुल मन बना के आप क्वेश्चंस लिखते चलो, और बताओ एक प्रश्न में लिखो, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लिख लो। y की वैल्यू दी हुई है आपको, y की वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड 2x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये y की वैल्यू दी हुई है, लिख लो। इसे डिफाइन करना है, इसे परिभाषित करना है अपने को, बताओ इसको डिफाइन करना है, इसको परिभाषित करना है। तो कैसे इसे डिफाइन करोगे, परिभाषित करोगे, देखो ये मॉडुलस जहां पे भी दिखे ना, आप इसके अंदर वाले फलन से, इसके अंदर वाले फंक्शन से पूछो कि भाई तू कब जीरो होगा। जहां पे ये जीरो होगा वहीं पर इसके साइन या तो प्लस हो सकता है, जीरो से पहले क्या रहेगा प्लस, बाद में क्या हो जाएगा माइनस। तो इससे पूछो ये कब जीरो हो सकता है, ये कब जीरो हो सकता है। एक्स की वैल्यू अगर जीरो डालो तो टू की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। जहां पे ये जीरो होगा वहीं पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि जीरो के बाद प्लस हो जाएगा, जीरो से पहले माइनस रहेगा। ऐसे इस ब्रैकेट से पूछो कि बता भैया तू कब जीरो होगा, तो ये कब जीरो होगा ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कब जीरो होगा। ये सब रफ में किया या दिमाग में किया, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन कितना हो गया, जीरो। तो बताइए या तो एक्स बराबर जीरो आएगा या तो एक्स एक आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो और एक, ठीक है ना। तो यहां पे एक बनाएंगे नंबर लाइन, और मेरे को दो बिंदु दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक जीरो दिख रहा है एक वन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो तीन रीजन दिखेंगे आपको, तीन रीजन दिखने वाले हैं, या तो एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए या बराबर हो जाए, या एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो जाए, या एक्स की वैल्यू वन से भी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। पूरी मैथ्स में दिखेगा ये मॉडुलस, वहां पे अलग से नहीं समझाएंगे, इसलिए शुरुआत की 5-6 क्लासेज हैं जिसमें मैं ऐसे ही मन की बातें बता रहा हूं जो आपको आनी चाहिए, तभी मैथ्स आएगी समझ में। तो जब भी ये मॉडुलस दिख गया, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा। और पॉजिटिव होने का खतरा कहां कहां है, जहां नेगेटिव होगा वहां मॉडुलस खुद से एक माइनस देगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और दिमाग एकदम बच्चों की तरह सोचो कि मॉडुलस के अंदर माइनस टू है, तो आंसर कितना आएगा, प्लस टू। वो कैसे आया होगा,
मॉडुलस ने एक माइनस खुद दिया होगा, माइनस टू खुद का था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस टू। यही सीखना है पूरी क्लास में, फिर देखेंगे उठपटांग बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब बताते चलो, कोई वैल्यू डाल लो इसमें, कोई वैल्यू, एक्स से छोटा माना है ना तुमने, एक्स से छोटी कोई वैल्यू पता हो आपको, एक्स से छोट मतलब जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू पता हो, कोई वैल्यू माइनस वन डाल लो, है ना। बताओ इसमें माइनस वन डालोगे तो टू की पावर माइनस वन कितना हो जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन कितना होगा, प्लस की माइनस बोलना है अपने को, है ना। तो वन बाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गई तो मॉडुलस हटेगा, लेकिन खुद क्या लगाएगा, माइनस लगाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, अभी तुमसे पूछा मैंने एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी डाल के देखो उसमें आराम से, टू की पावर माइनस वन कितना होगा, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन कितना होगा, माइनस वन बाई टू। कर लोगे ना मैथ तो थोड़ी बहुत, अबे माइनस है अंदर, माइनस है तो मॉडुलस तो हटेगा, लेकिन खुद क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। आगे बोलो और बोलो, एक्स की वैल्यू इधर माइनस वन डाल दो, बोलो माइनस वन इधर डालते तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाता, वन, और वन माइनस माइनस वन क्या ये टू हो जाता, क्या ये प्लस में हो जाता, प्लस में हो जाता तो मॉडुलस हटेगा बस और कुछ नहीं होगा, यानी प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे भैया, यहाँ पे लिखा रहेगा वाई की जगह लैम्डा लिखा रहेगा, पिछली क्लास में बताया था, आपसे पूछेंगे कि लैम्डा की वैल्यू बताओ जिससे एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो, कि अनंत सॉल्यूशन हो, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे, वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप इसे डिफाइन करना सीखो, तो इसे परिभाषित करना सीख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो और पेन चला लेना बार बार, सब समझ में आ जाएगा। और बताओ वाई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में, बताओ जीरो से वन के बीच में हाफ मान लो, अगर हाफ होती तो टू की पावर हाफ मतलब रूट टू हो जाता, और रूट टू कितना होता, 1.4, 1.4 में से माइनस वन करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मॉडुलस हटाओ, ये केवल कितना रहेगा, 2x माइनस वन, समझ रहे हो क्या। यहाँ पे जीरो से एक के बीच में है तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर 1/4, माइनस हाफ करोगे तो माइनस वन बाय फोर, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मॉडुलस हटेगा लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगाऊंगा तो बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पूरी मैथ्स के लिए बता रहा हूं मैं भैया, मॉडुलस कहीं भी दिखा ऐसे ही हटाना है मॉडुलस को, सारे मॉडुलस सॉल्व करने का यही तरीका है। आखिरी बार और बताओ, है ना, एक्स की वैल्यू एक से भी बड़ी है, एक से बड़ी 10 मान लो, कुछ भी मान लो, 10, 2 की पावर 10 माइनस एक पॉजिटिव भी रहेगा ये, तो 2x माइनस वन, और ये 10 का स्क्वायर माइनस 10, 100 माइनस, ये भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, समझ रहे हो क्या। अब मैं तुमसे बोलता कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो ऐसे सॉल्व नहीं होएगा ये ऐसे ही सॉल्व होएगा, कि अगर यहाँ y की जगह लिखा होता 5 तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करते, जो आंसर आता वो आंसर जीरो से छोटा अगर होता तब तो अपना सही आंसर होता, वरना वो आंसर गलत मानते, करेंगे आप ये सवाल, लेकिन आप समझिए कि ये तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको ये लिखना आता हो, समझ रहे हो क्या। तो वो लिख लेना अच्छे से, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लाइनें बना लेते हैं कब कब के लिए, तो ये क्वेश्चन था अपन कर लेंगे। बताओ ग्राफ जब भी बनाना होगा तो हाईएस्ट पावर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे तो 2 की पावर x का ग्राफ पता नहीं क्या होगा देखेंगे, और एक्स स्क्वायर भी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, समझ रहे हो क्या। और अगर x और y दोनों की पावर 1-1 हो जाती तो स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो अभी याद करना दो चार सवाल में, तुम डिफाइन करके बताओ बस, और खुद से सोचना, मैथ्स में क्या है, सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, समझना भी पड़ेगा, और नहीं आए समझ में तो पूछ लेना। आवाज़ आ रही है ना ठीक, आवाज़ अभी भी ठीक आ रही है क्या, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ ठीक है, ऐसे पढ़ लो आप, गूंज रही थी आवाज़ उसमें। चलिए ये आ जाएगा पहला, हटा दें थे, लिख लेना तुमने, बस मेरे को एक ही पॉइंट समझाना है यार, पूरी मैथ्स में कभी भी मॉडुलस एक्स दिखा, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि अंदर माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो मॉडुलस हटाओ, लेकिन माइनस खुद से भी लगाओ, और समझ में आ गया कि अंदर प्लस लिखा हुआ है तो बस मॉडुलस हटा दो। मॉडुलस एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, समझ रहे हो क्या। तो अगर अंदर माइनस है तो बाहर मैंने माइनस लगाया हुआ है, और इससे एक से एक सवाल बनेंगे, वो अभी क्या है, कुछ टॉपिक चालू नहीं है, ये सारी ऐसी सूचनाएं चल रही हैं जो पता होनी चाहिए। हटा देता हूँ इसे, आगे चलो आप फटाफट लिखते चलो।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं अपन। अगले प्रश्न में आप ये लिख लीजिए, अगला प्रश्न आप ऐसे लिख लीजिए, y दिया हुआ है, मॉडुलस x माइनस थ्री, अंदर वाला मॉड इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये मॉडुलस x माइनस थ्री प्लस मॉड में x माइनस वन माइनस टू, ठीक है, ये लिखा हुआ है अपने पास, और अंदर मॉड भी लगा सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है, एक बार इसे डिफाइन कर लो, ज़्यादा गंदगी अगले सवाल में करेंगे। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, वैल्यू कितनी लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड x माइनस थ्री लिखा हुआ है, और प्लस मैग्नीट्यूड के अंदर मैग्नीट्यूड x माइनस वन और ये माइनस टू। लो बोलने लग जाओ, बताओ फटाफट, एक एक ब्रैकेट से पूछो कि तू कब जीरो है, एक एक से पूछने का कि तू कब जीरो है, उसके हिसाब से इससे पूछो कि तू कब जीरो है, ठीक है ना। तो अब मैं डायरेक्टली बोलता जाता हूँ, नंबर लाइन बना लेते हैं कि कितने तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो क्या। इससे पूछा ये कब जीरो है, तो ये कब बोलेगा तीन पे जीरो है, तो यहाँ पे तीन बना लेना, है ना, इससे काम खत्म। फिर इस अंदर वाले से पूछा कि भाई तू कब जीरो है, एक पे एक बना लिया, लेकिन मॉडुलस तो एक और भी दिख रहा है, बाहर वाला भी दिख रहा है। अब बाहर वाले से पूछा तू कब जीरो है, तो बाहर वाला बोलेगा जब ये वाली वैल्यू दो हो जाए। अब सुन रहे हो क्या, ये दो हो जाएगी तभी तो दो माइनस दो जीरो होगा, लेकिन ये दो तब हो सकता है जब x माइनस वन प्लस माइनस दो हो जाए। अब देख लो, x माइनस वन की वैल्यू अगर दो होती तब भी दो माइनस दो कितना हो जाता, जीरो, और x माइनस वन की वैल्यू माइनस दो होती तब भी माइनस दो का मैग्नीट्यूड दो होता और दो माइनस दो कितना हो जाता, जीरो। सुन रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस दो प्लस वन, ये माइनस एक उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस दो प्लस एक तीन, प्लस तीन तो पहले से ही बना हुआ है, प्लस तीन माइनस तीन नहीं, अबे माइनस दो प्लस एक करोगे माइनस एक आएगा, एकदम मैथ्स वैसे ही नहीं चलती है। आप सॉल्व करो इसे, प्लस दो प्लस एक कितना हो जाएगा तीन, और माइनस दो प्लस एक कितना हो जाएगा माइनस एक, माइनस एक। कोई सिली मिस्टेक नहीं चाहिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है तीन आ गया तो प्लस माइनस तीन, वो तब होता जब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड एक्स होता, तब प्लस माइनस एक्स। अभी तो अंदर भी कुछ खतरनाक सा लिखा हुआ है ना, तो इसमें मैं वापस से बोल रहा हूँ, मेरे को रोक देना जहाँ पे मैं जरूरत से ज़्यादा तेज हो जाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इसके बाद टॉपिक चालू करने हैं अपने को, ये सब जनहित में जारी सूचनाएं हैं, ये आपको आनी चाहिए, तब हम पढ़ाना चालू करेंगे आपको। तो ये याद करना है अपने को, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का मतलब क्या होता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा भैया, लेकिन अंदर तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, आंसर पॉजिटिव आएगा, अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब अंदर तुमने माइनस लिख दिया तो हम बाहर माइनस खुद लगाएंगे ताकि आंसर कितना है, पॉजिटिव, और तुम शरीफों की तरह अंदर प्लस लिख रहे हो तो हम भाई मैग्नीट्यूड हटा लेंगे। मैं आखिरी बार बोल देता हूँ, इस पहले वाले से पूछा भाई तू कब जीरो है, जीरो ही क्यों देख रहे हैं अपन, जीरो ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जीरो के आजू बाजू ही तो साइन चेंज होएगा, जीरो के एक तरफ माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा, उसी तरफ तो दिमाग लगाना है। अब तुम दस के आजू बाजू देखोगे तो प्लस ही रहेगा सर, वो तो दस से पहले नौ, दस के बाद ग्यारह, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होने वाली है, जहाँ पे ये जीरो होगा, जीरो कहाँ पे होगा, ये तीन पे जीरो होगा, तो तीन के आजू बाजू खतरा है, वहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। ये x माइनस वन कहाँ पे जीरो होगा, एक पे, तुम्हें एक पे अपना दिमाग लगाना है। ये तो अंदर वाले से पूछा था, बाहर वाले से पूछा भाई तू कब जीरो होगा, तो बाहर वाले ने बोला कि ये तो दो है, जब अंदर वाला ये पूरा कितना हो जाए, ये पूरा भी कितना हो जाए, दो, तो दो माइनस दो कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये दो कब हो सकता है, अंदर दो लिखोगे तब भी ये दो रहेगा, और अंदर माइनस दो लिखोगे तब भी ये दो रहेगा, इसीलिए x माइनस वन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, प्लस माइनस दो, है ना, और फिर इधर से माइनस एक को उधर ले गया प्लस एक, ठीक से सॉल्व करोगे तीन वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई तो कितने केस बने, या तो x की वैल्यू माइनस एक से छोटी हो जाएगी, या माइनस एक से एक के बीच में होगी, या एक से तीन के बीच में होगी, या तीन से अनंत के बीच में होगी, तीन से इन्फाइनाइट। सुन रहे हो क्या, अब वैल्यूज रखते जाएंगे, अपनी मैथ्स अच्छी कर रहे हैं अपन, और कुछ समझ में नहीं आए तो बोल देने का, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, रटने रुटने का कुछ है नहीं, बताते चलो। आप सबसे पहले क्या ले लें, x माइनस एक से अनंत, मतलब x माइनस एक से छोटा हो गया मान लीजिए, तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस एक से माइनस अनंत तक, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक, बताइए मेरे को माइनस एक से कोई भी वैल्यू माइनस दो, इसके आगे क्या आएगा, माइनस दो आएगा ना, माइनस दो रख के देखो फटाफट, माइनस दो माइनस तीन कितना हुआ, माइनस में हुआ ना, यानी ये जब हटेगा तो एक माइनस तुम्हें लगाना पड़ेगा, तुम लगाओ एक माइनस, तो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स माइनस थ्री। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि अंदर वाला नंबर माइनस होगा, आप वैल्यू रख के देख लो, सर माइनस दो रख के देखा मैंने, तो ये कितना हो गया, माइनस पांच,
लेकिन आंसर तो सर 5 आना चाहिए था, इसका मतलब माइनस मुझे लगाना पड़ेगा, लगा दिया। आगे ये कितना भाई, पहले केवल इस अच्छा ये जो है ना इसको मैं हटा लेता हूँ एक। अच्छा क्वेश्चन वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बोलो फटाफट। इसमें अगर आप देखेंगे माइनस दो माइनस एक माइनस तीन है, माइनस तीन है मतलब इसके आगे तुम्हें खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे इसी के आगे माइनस एक्स माइनस वन। ये मैंने केवल इस वाले ब्रैकेट को लिखा है, इस वाले को लिखा माइनस एक्स माइनस वन। अभी फिर इसके आगे माइनस दो भी है, अभी इसके आगे माइनस दो भी है और इसको भी मैंने ब्रैकेट से बदला है, तो मैं इससे भी पूछूंगा कि भाई तू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे तुमने क्या रखा था, माइनस दो, माइनस दो माइनस एक कितना हुआ था, माइनस तीन का मैग्नीट्यूड कितना था, तीन, और तीन माइनस दो कितना था, एक। क्या ये वाला मैग्नीट्यूड प्लस में ही था, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना था, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। अब सुन रहे हो क्या, ये प्लस माइनस कर रहे हैं अपन, अब ये गंदे से गंदी इक्वेशन आ सकती हैं। अब वो जो भी आए हैं वो मैं बता रहा हूँ बार बार, आप हर एक मोड से पूछो, हर एक से पूछो कि भाई तू माइनस है क्या, तो जब तू हटेगा तो मैं खुद माइनस लगाऊंगा, जब तू हटेगा तो मैं खुद माइनस लगाऊंगा, जब तू हटेगा तो मैं माइनस लगाऊंगा, लेकिन तभी माइनस लगाऊंगा जब तू क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर तू खुद पॉजिटिव है तो कुछ नहीं लगाऊंगा मैं। आओ यही मैं तीन बार और बताने वाला हूँ आपको। आगे चलो बताओ मेरे को y की वैल्यू, अब माइनस एक से एक तो हो ही गया है, मतलब माइनस एक से बड़ा। अब x की वैल्यू आप कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, माइनस एक से एक तक, माइनस एक से एक, माइनस एक से एक के बीच में सुंदर नंबर जीरो होता है, मस्त हो गया काम। जीरो लिख दो पहले, मैं बोलो इसमें जीरो लिखोगे, जीरो माइनस तीन, माइनस आ रहा है ना, तो माइनस खुद से लगाओ, माइनस एक्स माइनस तीन, इसका तो काम खत्म। अब पहले अंदर वाले से पूछो, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये तो माइनस में आ रहा है, जीरो माइनस एक माइनस एक, अपने को खुद माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे भी मैंने क्या लगा दिया, माइनस एक्स माइनस एक, आगे माइनस दो तो लिखा ही था, वो तो माइनस दो ही है, लेकिन ये पूरा भी एक मैग्नीट्यूड में बंद था, उसको पूछना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो रखा तो जीरो माइनस वन, माइनस एक का मैग्नीट्यूड कितना आया, एक, लेकिन एक माइनस दो क्या माइनस में आया, तो पूरे के आगे भी क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं 50 सवाल भी करा दूंगा फिर भी 51वां तुम कर पाओ नहीं कर पाओ तुम्हारे ऊपर है, तुम वैल्यूज रख लो। और अपने को क्या है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती हैं। आप और बताओ मेरे को, ये तो माइनस वन से वन हो गया, आगे चलो है ना, वन से थ्री लिखते चलो, एक्स कहाँ से कहाँ तक आ गया, वन से थ्री तक, वन से थ्री तक आ गया, तो बोलते चलो वन से थ्री, टू ले लो, बताओ टू में टू माइनस थ्री नेगेटिव है, तो माइनस खुद से लगाओ, माइनस खुद से लगा दो, यहाँ पे टू रख रहे थे ना, टू माइनस वन ये भी प्लस हो गया, प्लस हो गया तो कितना आ गया, एक्स माइनस वन माइनस टू, समझ रहे हो गया, टू रखा है यहाँ पे। अब बताओ टू माइनस वन तो प्लस था, ये तो प्लस आ गया, लेकिन टू माइनस वन वन हुआ, वन माइनस टू माइनस हुआ, तो इस पूरे के आगे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अभी ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका अभी ग्राफ वक्र बनाएंगे अभी अपन, फिर तुमसे क्वेश्चन आगे भी पूछूंगा मैं, क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व ऐसे ही हो सकते हैं वो। आगे बताओ एक और आखिरी बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, कि x बड़ा हो जाए किससे, तीन से बड़ा हो गया, 10 मान लो, बड़ा नंबर रखो ताकि कुछ झंझट ही हटे, 10 माइनस तीन प्लस में है ना, तो y बोलो y कितना आ गया, x माइनस तीन, आगे बोलो 10 माइनस एक प्लस ही होगा, ये 10 माइनस एक 9 और 9 माइनस दो भी प्लस ही होगा, सब हटा दो, कुछ किसी काम का नहीं है, x माइनस वन माइनस टू, समझ गया क्या, सवाल मिलेगा इसका कैसा मिलेगा वो बताऊंगा अभी मैं आपको, ये सब लिखा है ना अपन ने, अब इसका बनाएंगे ग्राफ। आप सब चीज़ें सीखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, हो सकता है ये मेथड आ गया, इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर लो आप, कैलकुलेशंस गणना करनी पड़ेगी, या फिर हम यही क्वेश्चन कैसे करेंगे, ग्राफ से करेंगे। अब वो भेजे में घुस जाना चाहिए कैसे होगा, ग्राफ बनाएंगे इसका अपन, ये सब हटा देता हूँ मैं, ये सब लिख लेना आपको वैसे, और खुद से घर पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का, और सब समझ में आ जाएगा, जो नहीं आए उसको बोलो आप। बताओ इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, तो एक तरफ तो बना लो भैया x, एक तरफ बना लो सुंदर y। अब इसका ग्राफ, अब पहले ये बताओ दोनों तरफ पावर एक ही है ना, y की भी पावर इधर कितनी है, 1, और इधर x, x से मल्टीप्लाई होता तब तो x स्क्वायर हो जाता, तब तो पैराबोला परवलय बन जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं x x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या दोनों तरफ पावर 1 है, इसका मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा,
समझ गया? तो याद रखना है ग्राफ इसका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया तो वाई की पावर वन और एक्स की पावर वन होनी चाहिए, और पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप थोड़ा बहुत ध्यान कर लो कि एक्स और वाई दोनों की पावर वन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा बनाने का सबसे आसान तरीका है, मेरे को दो बिंदु दे दो। अबे दो पॉइंट से एक लाइन बन गई, बन जाएगी ना दो पॉइंट से, फिर मेरे को और पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। तो याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मेरे को इक्वेशन विक्वेशन नहीं चाहिए, इक्वेशन से भी बना लेंगे अपन, तुम तो मेरे को दो पॉइंट बता दो और मैं दो पॉइंट से खींच के क्या बना दूंगा, लाइन बना दूंगा। अभी अपने पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, कौन कौन थे, माइनस वन, वन और थ्री। तो एक बना लो माइनस वन, एक वन और एक थ्री, ये पॉइंट बना लिए। इन पे वैल्यू बता दो मेरे को एक बार, थ्री पे वैल्यू, थ्री पे रख देते इक्वेशन, ये इक्वेशन चलो इसी में रख दो, थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, और थ्री माइनस वन टू, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब यही पॉइंट आ जाएगा। नहीं समझे क्या, x एक्सिस पे y कितना होता है, जीरो ही तो होता है, तो ये ग्राफ यहीं से आ गया। ठीक है, थ्री से बड़ा एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट बताओ, थ्री के आगे वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये फील आ रही है कि तुम्हें, थ्री के ये पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि पावर ही सर एक्स की वन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसके आगे वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी? अरे मेरे को एक पॉइंट बता दो, अगर तुमने बिंदु बोला ये तो जोड़ दूंगा ऐसे, तुमने पॉइंट बोला ये तो जोड़ दूंगा ऐसे, तुमने पॉइंट बोला ये तो जोड़ दूंगा ऐसे, समझ रहे हो क्या? इसीलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तीन के आगे कोई भी एक वैल्यू मान लो, दस मान लो, दस रखो यहाँ पे, दस माइनस तीन सात हो गया, ठीक है ना, सात याद कर लें, दस माइनस एक नौ, माइनस दो सात, और सात चौदह हो गया, यानी 10 पे 10 आगे कहीं आएगा, और 10 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, 10.14 एक्स कॉमा वाई, ये भैया ये बन गया इसका ग्राफ, इसके आगे वाला तीन के आगे यही होगा ग्राफ। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट अनंत तक जाएगा, और कुछ नहीं होगा। आओ एक से तीन के बीच की बात करते हैं, तीन पे वैल्यू जीरो आई गई थी, एक पे वैल्यू बताओ, एक पे वैल्यू, एक पे वैल्यू, एक माइनस तीन, एक माइनस तीन वो मतलब दो आ जाएगा, ये पूरा माइनस दो आएगा, दो आ गया, ये दो आ गया याद रख लेना। और क्या रखा है, एक, एक माइनस एक चार हो जाएगी वैल्यू, एक माइनस एक जीरो हो जाएगा और ये चार आ जाएगी, है ना, चार मतलब यहाँ पे आ गया एक बिंदु, थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, जहाँ वाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी, चाहे मतलब चार हो रही होगी, बताओ एक कॉमा चार आ गया ना, इनको ऐसे जोड़ देना, ऐसे क्यों जोड़ा सर, अब स्ट्रेट लाइन ऐसे ही तो बनेगी, अगर ये एक बिंदु है या दूसरा बिंदु है तो ऐसे ही बनेगी स्ट्रेट लाइन। और आ जाओ और बता दो मेरे को माइनस एक पे, माइनस एक पे बताओ, माइनस एक माइनस तीन ये चार हो गया, चार और ये कितना हुआ, ये जीरो हो जाएगा शायद, माइनस एक माइनस एक माइनस दो और दो माइनस दो जीरो, तो कितना आ गया, चार आ गया, मतलब माइनस एक पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, चार, चार और चार, इसका मतलब ये लाइन आ रही होगी ऐसे, माइनस एक से एक के बीच में, और माइनस एक से एक के बीच में तुम सॉल्व करके देख लो, चार ही आ रहा होगा, देख लो ऐसे क्या है, माइनस एक्स प्लस थ्री दिख रहा है यहाँ पे, माइनस एक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बच गया, पांच माइनस एक चार होता है, एक्स एक्स कट गया, चार आ गया ना माइनस एक से एक में। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि माइनस एक से एक के बीच में या तो मैं वक्री बना लेता ग्राफ तो मेरे को इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती ना, आपके ऊपर है आप सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप या तो परिभाषित डिफाइन कर लो या फिर ग्राफ बनाना सीख लो, कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, आंसर आ जाएगा ग्राफ, और खुद से करने पे ही आएगा, ऐसे सुनते रहोगे तब तो सभी भयानक है, भयानक तो सब कुछ ही है, लेकिन आपको पेन चलाना है और सीखना है कि ये, और मैं बोल रहा हूँ ना ये शुरुआत में मैं दो साल तक एक साल तक जितनी मैथ्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी जो मैं क्लास के बीच में नहीं पढ़ाऊंगा वो बता रहा हूँ मैं कि ये तुम्हें खुद ही आना चाहिए। आगे आ जाओ ये माइनस एक तक आ गया, माइनस एक के आगे कोई माइनस तीन ले लो एक संख्या, ताकि इसके आगे वाला माइनस तीन और माइनस तीन ये छः हो जाता, ये छः याद कर लो, माइनस तीन माइनस एक ये चार हो जाता, चार माइनस दो दो हो जाता, ये दो और ये कितना आया था, छः आया था, दो और छः आठ आ गया, आठ तो ऊपर ही आएगा, ऐसा आ गया भाई इसका ग्राफ, ये इसका आठ ऊपर ही तो आएगा ना, वाई की वैल्यू आठ ऊपर आ जाएगी कितने पे, माइनस तीन पे, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया, मैं इस क्लास में फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको सवाल ऐसा नहीं आएगा, सवाल तो जेई मेंस में ऐसा आएगा कि इसको कर दूंगा मैं 10 के बराबर या इसको कर दूंगा के बराबर, और मैंने बोला बताओ k की वैल्यू बताओ जिसके लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, k की वो वैल्यू जिसके लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या y बराबर k का ग्राफ बनाना आता है तुम्हें,
ये एक इक्वेशन है, ये भी क्या है, वाई बराबर के मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। बताओ अगर लाइन ऐसे बनती, इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को काटा गया, कितने सॉल्यूशन हुए, जीरो। इसका मतलब वाई की वैल्यू जब माइनस में हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो से छोटी, तब सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, जीरो मिल जाएंगे। बताइए एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वाई बराबर जीरो ये लाइन आएगी, ये शायद एक ही पॉइंट पे काट रही है। कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमेशा दो सॉल्यूशन, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, यहाँ पर भी कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन। बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब के की वैल्यू चार कर दोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ रहे हो गया, ये क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन ये क्वेश्चंस तो आगे कर लेंगे। आप कुछ चीज़ें सीखो कि अगर दोनों तरफ y और x की पावर 1 है तो ग्राफ क्या आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है, सरल रेखी आने वाला है। और क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, करेंगे क्वेश्चन, लेकिन आप इस मॉडुलस को डिफाइन कर लो यार। मॉडुलस डिफाइन कैसे होगा, जहाँ जहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा हो प्लीज़ वो वैल्यू रख के देखो, और खुद की, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ये तो खुद के पेशेंस के ऊपर है कि 10 केस बने तो 10 लिखने पड़ेंगे आपको। अब पहले से पता हो आपको तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर ज़्यादा केस बने तो हमेशा किस पे चले जाया करो, ग्राफ पे, तो ग्राफ से बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे। तो ये अप्रोचेज हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन याद करना है जहाँ जहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो रही है, हर मॉडुलस से पूछने का कि भैया तू कब जीरो है, जब वो ज़ीरो है उसी के आजू बाजू खतरा है, उसी के आजू बाजू इक्वेशन चेंज होने वाली है। तो इसको हमने लिखा होता 5 के बराबर, मान लीजिए एक ही जगह 5 लिखा होता तो y बराबर 5 मतलब 4 से ऊपर आता, तो दो ही आपको दो ही सॉल्यूशन मिलते, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलता, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलता। और ग्राफ वाले तरीके की सुंदरता देखो आप, ये बताओ यहाँ केस कितने बने थे, 4। अगर मैं बोलता कि ये बराबर 5 है तो तुम्हें 4 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती ना। अगर मैंने ग्राफ बनाया होता तो मेरे को मालूम है आंसर या तो 3 से बड़ा आएगा और या फिर आंसर आएगा -1 से छोटा, तो मैं दो ही इक्वेशन सॉल्व करूंगा ना, एक ये वाली सॉल्व करूंगा, एक ये वाली सॉल्व करूंगा ही नहीं बीच वाली। तो वो सुंदरता इस तरीके की, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा ये बराबर 5 है, तो ये नहीं कि गधों की तरह लग गए सॉल्व करने, सॉल्व करने लगोगे तो इनमें सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, जब ग्राफ नहीं दिखा रहा, नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा होगा, तो केवल दो ही बार डिफाइन करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो आप डिफाइन करना सीखो, और मैथ्स चालू नहीं हुई है, मैथ्स चालू होगी आगे, ये सब कुछ जनहित में जारी सूचनाएं, लिख लिया गया तब इधर हटाएं, और लेक्चर आपको ये मिल जाएंगे उसमें देख लेना आप एक दो बार, अच्छा फटाफट लिखो अगली इक्वेशन, लिखो y बराबर मैग्नीट्यूड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। याद करना है जो और ये सब फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, अगर आपको मैथ्स पढ़नी है कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे बताया था ना स्विमिंग करनी है तो सांस रोकनी आनी चाहिए, ऐसे मैथ्स पढ़ना है आपको ये कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। बताओ इसको आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, ये वैसे तो पढ़ेंगे लेकिन आपको आना चाहिए, इसको अपन x-1 x-3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताया था, बीच वाली संख्या जो है वो एडिशन योगफल होना चाहिए, -3 और -1 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, -4। -3 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, समझ रहे हो गया, लेकिन अभी वो पढ़ना अपना लक्ष्य नहीं है। तो मान लो आपको आता है कि इसको इससे तोड़ते हैं, इसमें मत कन्फ्यूज हो जाना सर इसको इसमें कैसे तोड़ेंगे, वैसे तो 10वीं से पहले बताते हैं यार, है ना, ये पता होगा आपको। अब आप ये बताओ कि जब अंदर वाला नंबर प्लस में आएगा तब तो कुछ नहीं करना है, और जब अंदर वाला नंबर माइनस में आएगा खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लगाऊंगा मैं वेवी कर्व मेथड। अब जिसने नहीं पढ़ा वो सुन लेगा, बताओ ये कब जीरो होगा, 1 पे। अगला कब जीरो होएगा, 3 पे होएगा ना, ये 1 पे जीरो होगा, ये 3 पे जीरो होगा। 3 से बड़ा कोई नंबर रखो 10, 10 पे शायद दोनों प्लस हैं क्या, 10 पे ये भी प्लस, 10 पे ये भी प्लस, यानी पूरा नंबर किस में आएगा, प्लस में। तो 3 से आगे लगा दो चिन्ह प्लस का और इसके आगे माइनस प्लस, ऐसे ही चलता है हमेशा कोई भी एक का, इसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड जो आपको शुरुआत में बताया था, और नहीं आता होता अब समझ लो यार, कोई भी नंबर तुम 1 से 3 के बीच में कोई संख्या रख के देख लो माइनस आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो 1 से 3 के बीच में 2 रख के देख लो, ये 2-1 ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 2-3 नेगेटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी आंसर नेगेटिव, देखो साइन भी मैंने कौन सा लगाया नेगेटिव। और अपने को क्या करना है, कोई एक साइन लगाना है और उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाते चलना है, इसका मतलब सवाल खत्म हो चुका है। बताओ मैं अगर लिखता वाई की वैल्यू मैं लिखूंगा x-1 x-3 कब,
when x is element of minus infinity से 1 है ना, और union 3 से infinite. अब ये समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, बताओ 1 से infinity के बीच में प्लस ही रहेगा ये, और 3 से infinity के बीच में प्लस ही रहेगा, तो उसके बीच में तो मैंने कुछ नहीं किया. लेकिन क्या 1 से 3 के बीच में ये माइनस रहने वाला है, तो मैं y की वैल्यू बोलूँगा माइनस x माइनस 1 x माइनस 3. कब? जब x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 3 तक. सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ भी लगा दिए, ऐसा कैसे चलेगा? एक्चुअली उन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मॉडुलस है ना, ये पढ़ेंगे अपन निरंतर वक्र ही है, कंटिन्यूस ग्राफ है. और कंटिन्यूस ग्राफ में कल बताया था ना, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, तो इस पॉइंट की वैल्यू दोनों इक्वेशन देंगी, ये वाली इक्वेशन भी देगी और ये वाली इक्वेशन भी देगी. तुम यहाँ पे x की वैल्यू एक चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, जीरो ही आंसर आएगा. तीन रखो यहाँ पे रखोगे, जीरो ही आंसर आएगा. तो जब भी मॉडुलस लगा रहे हो तो इक्वेलिटी वो आप दोनों तरफ लगा सकते हो. याद करना है अपने को, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और नहीं देखा हो लेक्चर तो बैकअप क्लास लगेगी, उसमें देख लेना. और कुछ खास बात नहीं है, ऐसे कोई भी आपको फलन, कोई भी फंक्शंस मिल रहे हैं, इनसे पूछिए ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 और 3 पे. उसके बाद 3 से बड़ा कोई नंबर रख लिया, उसमें मेरे को पता लगा कि ये पूरा नंबर 3 से बड़े में हमेशा क्या होता है, प्लस. तो अगर ये प्लस है, आगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा ही आएगा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. तो जब ये प्लस था तब तो ये वैसे ही खुल गया, और जब ये माइनस था तो मॉडुलस की वजह से इसके आगे खुद क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा. तो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, बस आप सुनते चलो क्या क्या बोल रहे हैं. इसी में आप वापस से आगे चलो, एक और बार आगे चलो. चलिए बताइए, मेरे को कुछ चीज़ें याद करवानी है आपको, है ना, इसलिए ये सब सवाल दे रहा हूँ आपको. y की वैल्यू लिख लेना, मॉडुलस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. बेसिक मैथ्स मान सकते हो इसे, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. अब मैंने कुछ ज्ञान दिया था आपको, जब भी क्यूब में आएगा ना, जितनी इसकी पावर्स होती है ना, उतने रूट्स होते हैं, उतने हल होते हैं, उतने सॉल्यूशंस होते हैं, है ना. यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी. और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल. सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से आपको x की वैल्यू, जैसे 0 रखता मैं, 0 रखने पे तो ये 0 हो नहीं रहा है, माइनस 6 हो रहा है. या तो 1 रखना पड़ेगा, या माइनस 1 या 2 माइनस 2, एक सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा, फिर बचपन वाले तरीके से जैसे डिवाइड करते थे. समझ रहे हो क्या? अगर x की पावर 4 हो जाए 5 हो जाए, उसका पहला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से ही निकालेंगे, और कोई तरीका नहीं है. आप इसमें बताओ, x की वैल्यू में 0 रखता तब तो माइनस 6 आता. 1 अगर रखते, 1 में 12 दिख रहा है, 12 माइनस 12, देखो 1 रखोगे तो ये 1 और 11 कितना हो गया, 12, और माइनस 6 माइनस 6 भी कितना हो गया, 12 माइनस 12 0 हो गया. मतलब इसका एक सॉल्यूशन आएगा x माइनस 1. और तुम इसमें कष्ट मत लो, तुम्हें ये इक्वेशन थोड़ी सी याद करनी है. ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जो मैं बार बार पूछूंगा मैथ्स में, इसके रूट्स हमेशा यही होंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. और कोई खास बात नहीं है, x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो इसमें से, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर सकते हो. लेकिन थोड़ी मैथ्स तेज करें अपन, ऐसी कोई इक्वेशन दिखे तो रूट्स क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 ये हीट एंड ट्रायल से निकाला है, और फिर x माइनस 1 कॉमन ले लोगे क्या, x माइनस 1 कॉमन लिया तो पहला क्या बचेगा, x स्क्वायर. ये इसको माइनस, तो माइनस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगला मेरे को प्लस 5x लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस 6x स्क्वायर बनेगा. कॉमन वॉमन लेना आता है ना, कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 1 इसमें से कॉमन लिया, तो बताओ x माइनस 1 कॉमन लिया तो x क्यूब में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर बना दिया. बताओ x इंटू x स्क्वायर कितना हुआ, x क्यूब बन गया. बताओ माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x स्क्वायर बन गया. लेकिन मुझे तो माइनस 6 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 5x लिखा था कि 5x और x कितना हुआ, वो प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा. यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, माइनस 5x अपने आप बनाना पड़ेगा. और लास्ट में तो लास्ट वाला नंबर माइनस 1, मतलब मल्टीप्लाई कर देना माइनस 1 को इससे, तो अपने पास कितना बन जाएगा, प्लस 6 बस. और इसको तुम रूट में लाओगे तो कितना बन जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 3 बन जाएगा. कॉमन लिया हुआ है वो कॉमन कैसे भी ले लो, लेकिन इसके लिए ये रूट्स याद कर लेना. मेरा काम अभी क्या है, मेरे को अभी वापस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाना है आपको. भगवान के लिए बताइए ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है. 1, 2, 3 पे हो सकता है जीरो, इसमें डालो 10, शायद 10 पे सब प्लस दिखेंगे. 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 10 माइनस 3 प्लस दिख रहा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस.
याद करना है जो जो बोला जा रहा है, ये इक्वेशन थोड़ी सी आप याद ही कर लो, और क्यूबिक में और कोई तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल ही है पहला तरीका, समझ रहे हो क्या? दूसरा तरीका आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक बना के, यहाँ पे मेरे को आंसर बता दो। यहाँ पे पहला आंसर y की वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, मैंने वैसे ही लिख दी, तब लिखूंगा जब वो पॉजिटिव होएगा, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन, 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। प्लस कहाँ कहाँ पे है? 1 से 2 के बीच में प्लस है, 3 से इनफाइनाइट तक प्लस है, प्लस है तो ये कुछ नहीं करेगा, ये अपनी जोर जबरदस्ती तब दिखाएगा जब वो माइनस होगा। तो मैं y की वैल्यू लिखूंगा माइनस में, यही सब जो भी लिखा हुआ है, कब लिखूंगा? जब x माइनस अनंत से माइनस 1 और यूनियन 2 से 3 हो जाएगा माइनस में, यही आएगा। क्या क्या क्या, ये तो माइनस वाला लिख तो दिया, माइनस वाला माइनस अनंत से, ओ हाँ माइनस वन की जगह प्लस वन लगा लेना, तो माइनस अनंत से 1 आ जाएगा और 2 से 3 आ जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन तुम्हें दी रहेगी किसी के बराबर, अभी करेंगे सवाल, तो ये कैसे सॉल्व करोगे? जब ये लिख पाओगे तब तो आगे लिख पाओगे चीज़ें। तो ये मैग्नीट्यूड या परिमाण आपको दिया जाएगा, याद कर लो, समझ लो, मैग्नीट्यूड के अंदर अगर प्लस में लिखा हुआ है कुछ भी पता है तब तो ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो। लेकिन अगर इसके अंदर लिखा है माइनस टू तो खुद से एक माइनस लगा के ये हटेगा, लेकिन खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा, बस इसी बात पे सारी बात चल रही है अपनी, समझ रहे हो क्या? तो डिफाइन कर लेना, और ये आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, इसको आप प्लीज़ याद कर लेना कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और 3 में एक सॉल्यूशन हमेशा हीट एंड ट्रायल से निकलेगा, कोई तरीका नहीं है, देखो आप उससे आंसर आएगा। इसी में सब बनता चला जाएगा, आप एक आखिरी बार करो भैया, सही बात है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी लीनियर से लीनियर मिल रहा था, अभी लीनियर से क्वाड्रेटिक मिल सकता है। अच्छा इसमें ना कुछ गड़बड़ मत करना, बताओ इसका ग्राफ ऐसे पिछले क्वेश्चन में, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मत बना देना, क्योंकि इधर तो एक्स क्यूब है ना, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन मत बना देना, क्योंकि इधर भी स्क्वायर पैराबोला बन जाएगा, परवलय बन जाएगा वो, अगर सारी पावर एक्स की पावर 1 है तभी आपन वो वाला तरीका जो बोला था स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये आप फटाफट डिफाइन कर दो, मैं पेन चलवाना चाहता हूँ, भगवान के लिए पेन चलाओ, सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। y की वैल्यू है मैग्नीट्यूड x प्लस 1 माइनस 2, बताओ मैग्नीट्यूड के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 3 x माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है, आप इसमें कब प्लस कब माइनस लगा सकते हो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कब प्लस कब माइनस लगा सकते हो, तो हर एक से पूछने का कि भाई तू कब कब क्या क्या कर रहा है, इसके लिए ये कब 0 होगा? माइनस 1 पे, और 1 और 3, इससे पूछेंगे ये कब 0 होगा? 1 पे, इससे पूछेंगे ये कब 0 होगा? 3 पे, ये लिख दिया। और इसके बाद अब अलग अलग रीजन्स बनेंगे, तो परिभाषित करते चलो, डिफाइन करते चलो, तो मैं थोड़ी सी जगह लेते हुए चलता हूँ। बताओ जब एक्स की वैल्यू वो और बड़ी हो जाएगी माइनस 1 से, है ना, मतलब एक्स माइनस अनंत से, ऐसे लिख लो अगर आपको x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अनंत से माइनस 1 तक, बोलिए x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक है, फिर वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, एक दो बार बता रहा हूँ फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। बस कोई एक बताओ, माइनस 1 से इधर माइनस 10 मान लो, बोलो माइनस 10 प्लस 1, माइनस तो आएगा, यानी कि y की वैल्यू आने वाली है माइनस x प्लस 1। माइनस क्यों लगा दिया सर? क्योंकि यहाँ पे माइनस 10 लिखा, माइनस 10 प्लस 1 कितना हुआ? माइनस 9, क्या अंदर माइनस है? खुद से एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस एक्स प्लस 1। माइनस 2 तो माइनस 2 ही रहेगा, और यहां पे तुमने क्या माइनस 10 माना है ना, बोलो माइनस 10 माइनस 3 या माइनस 13 ही हो जाएगा, और माइनस 10 माइनस 1 वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं छेड़ोगे तो अंदर वही लिख देना, वही क्वाड्रेटिक, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और इससे समझो, इससे हम आपको बोलेंगे कि इस पूरे की वैल्यू किसी के बराबर है तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसे, तभी आएगा। इसमें कितने केस बनेंगे? एक ये बन गया, 4 बनेंगे, 1 2 3 4,
चार केस बनेंगे, एक दो केस लिख लो फिर क्वेश्चन ही करते हैं, डिफाइन तो हो गया बस समझ में आना होगा जिसको आ गया होगा। बताओ इसमें x की वैल्यू वो आप ले लो माइनस एक से एक, बोलो x की वैल्यू माइनस एक से एक के बीच में जीरो पकड़ लो, माइनस एक से एक के बीच में जीरो आएगा, जीरो में पहला वाला नंबर प्लस में रहेगा तो प्लस में रखो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वन, आगे माइनस दो तो माइनस दो रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, जीरो जीरो रखोगे तो माइनस तीन इंटू माइनस एक प्लस तीन, यानी सेम रख दो, वापस से क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। माइनस इन्फिनिटी, हाँ क्लोज ब्रैकेट ही है वो, क्लोज ब्रैकेट ही है ये, क्योंकि बोला ना कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कल से बता रहा हूँ मैं कंटिन्यूअस है वो, तो कंटिन्यूअस है तो बाउंड्री हर पॉइंट इंक्लूडेड ही है वो, चाहे माइनस एक इसमें रखो चाहे इसमें रखो अंदर सेम ही आएगा, ठीक है। और भी आ सकता है, एक से तीन तक रख ही लो फटाफट, एक से तीन तक, बोलो एक से तीन तक कोई नंबर दो ले लो भाई, अब दो ले लोगे तो दो प्लस एक तीन हो गया, तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव में तो कुछ छेड़ेगा नहीं है, आगे माइनस दो को माइनस दो रखो, क्या माना था दो माना था ना, दो में ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, दो में ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस में आ रहा है तो तुम्हें इस बार माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन बाहर माइनस खुद था, प्लस हो जाएगा भाई, प्लस करके एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये परिभाषित करना ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक खुद से नहीं करोगे ये मान के चलो एग्जाम में होने वाला नहीं है, ये जब तक टीचर बोलते जा रहा तब तक सब आसान है, खुद से पेन चलाना पड़ेगा आखिरी बार। और x वो तीन से इन्फिनिटी तक सब पॉजिटिव है क्या, सब पॉजिटिव है, दस दस रखोगे ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये सारे मॉड हटा दो, आंसर कितना है x प्लस वन माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड वाला फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अंदर माइनस है तब तो आप खुद से बाहर माइनस लगाओ, और अगर अंदर प्लस है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। यही बात बार बार समझाई जा रही है, हटा दूं नहीं थे खुद, ये सब समझ में आना चाहिए, और घर पे जरूर क्वेश्चन कर लेना, ये सारी मतलब जनहित में जारी सूचनाएं हैं, मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, कब कौन पॉजिटिव कब कौन नेगेटिव, तब आप ये वैल्यूज लगाओगे तो आंसर आएगा। चलो इसको हटाते हैं अपन, और आप क्या करिए, इसमें डिफाइन डिफाइन बहुत हो गया, आप एक ये सवाल देख लो, इसमें कुछ मेरे को चीज़ें बतानी है जो मैंने पहले बताई हुई हैं आपको। बताओ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, रूट के लिए बताया था, रूट का आंसर हमेशा क्या आता है, रूट हमेशा पॉजिटिव, समझ रहे हो क्या, रूट फोर का आंसर प्लस माइनस टू कोई नहीं देगा, रूट फोर का आंसर कितना आएगा प्लस टू, समझ रहे हो क्या, और रूट के अंदर वाला नंबर भी हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, वो उसकी डोमेन है, डोमेन का मतलब हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, रेंज का मतलब आउटपुट क्या क्या आ सकता है, तो रूट का हमेशा आउटपुट प्लस में ही आएगा, ये बताया हुआ है मैंने आपको। अब बताइए आप मेरे को, इसको डिफाइन करना है, वाई की वैल्यू लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, क्योंकि सवाल करेंगे तो केसेस बनाने पड़ेंगे अपने को। बताइए जो अंदर वाला आपको दिख रहा है ना नंबर, ये आपको दिख रहा होगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दिख रहा है ना, यहाँ से जो y का आंसर आएगा उसे x माइनस थ्री मत लिखना, क्योंकि रूट का आंसर हमेशा प्लस में आता है, इसीलिए इसका आंसर कितना आया होगा मॉडुलस x माइनस थ्री, सुन रहे हो क्या, और सर डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन तो सर उसी तरीके से होगा, अगर x माइनस थ्री जीरो से बड़ा है तब तो सर इसकी वैल्यू x माइनस थ्री ही हो जाएगी, अगर जीरो से बड़ा है तब तो मॉड हट जाएगा, और अगर x माइनस थ्री जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस x माइनस थ्री, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब दे देंगे ये बराबर है 10 के, अब ये बराबर 10 के हुआ तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो आंसर आया वो तीन से बड़ा आना चाहिए, तब तो वो सही आंसर है, इसको सॉल्व कर रहे हो तो वो आंसर तीन से क्या आना चाहिए छोटा, करेंगे क्वेश्चन सब कर लेंगे। आप डिफाइन करना सीख लो, रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ था ये स्क्वायर है, याद रखना है रूट का आंसर हमेशा किस में आता है प्लस में, और मॉडुलस फंक्शन ही क्या है प्लस में, इसीलिए इसका आंसर x माइनस थ्री आएगा। x माइनस थ्री को x माइनस थ्री कब लिखोगे, जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा, तो बगल में कंडीशन लिखो x माइनस थ्री जब जीरो से बड़ा है x माइनस थ्री को नहीं छेड़ेंगे, और अगर x माइनस थ्री खुद नेगेटिव है
तो मॉडुलस बोलता है मैं खुद माइनस लगाऊंगा इसमें, तो माइनस लगा देंगे, तो जब x 3 से छोटा है तो ये आंसर आता है, जब x 3 से बड़ा है बराबर है तो ये आंसर आता है। बराबर आप दोनों पे ही लगा सकते हो क्योंकि 3 पे 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, इसमें भी बराबर उसमें बराबर किसी में बराबर लगा सकते हो। चलिए ये अपने को समझ में आना चाहिए जो जो बताया हुआ है, चलें आगे। और वीडियो इसका मिल जाएगा आपको, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब आप इसमें क्या है, कुछ ग्राफ बना लो फटाफट, कुछ ग्राफ कुछ वक्र बना के बता दो मेरे को। और सबसे सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं है ना, ये सब जरूरत पड़ेगी। y बराबर मैग्नीट्यूड x, बोलिए याद करना है इसको, तो हम डिफाइन करते थे सर। सर y बराबर x कब लिख सकते हो, जब x 0 से बड़ा होगा। अगर x है 2 तो आंसर भी 2 ही है, लेकिन अगर x की वैल्यू है -2 मतलब x 0 से छोटा है, तो क्या y का आंसर माइनस एक्स आएगा? अगर x की जगह -2 लिखा होता तो -(-+2) हो जाएगा। क्या पावर दोनों तरफ 1 दिख रही है? इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है भैया, रेखा वो भी सरल, तो वो कष्ट नहीं देगी आपको, आंसर आ जाएगा। वैसे अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ज्ञान सारे छोटे छोटे देते जा रहा हूँ। ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वस टू mx प्लस सी, पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। याद रखना है y, अभी केवल साइन देखना है अपन, वो m की वैल्यू कैसे निकालते हो छोड़ो। ये x के आगे वाला नंबर अगर प्लस में आ रहा है, मतलब स्लोप या ढाल पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन भी किधर झुक जाएगी, प्लस x की तरफ झुक जाएगी। और अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो फिर रेखा का प्यार भी माइनस है, तो माइनस x की तरफ झुक जाएगी। तो बताइए यहाँ पे प्लस x दिख रहा था ना, तो ये लाइन झुकेगी प्लस x की तरफ। लेकिन ये ग्राफ केवल ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाना, इसलिए देखो मैंने ग्राफ चतुराई से ग्रेटर देन, वरना तो स्ट्रेट लाइन तो पूरी ऐसी आती। लेकिन ये ग्राफ केवल किसके लिए बनेगा, x 0 से आगे के लिए। अच्छा x 0 से छोटा है तो बनेगा तो y बराबर x ही, लेकिन ये लाइन किधर झुकी हुई होगी, माइनस x की तरफ, तो इधर झुक जाएगी। 0 की वैल्यू दोनों से आएगी, 0 तुम चाहे इसमें लिखो तब भी आंसर 0 आएगा, इसमें लिखो तब भी आंसर 0 आएगा। यही इसका ग्राफ आएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल v आएगा ये, ऐसे घबराने का नहीं, बिल्कुल अच्छा सा वी बना सकते हो आप इसमें, वी है वी, समझ रहे हो क्या, ऐसा आंसर आने वाला है। तो ये याद करना है अपने को, और आपन इसमें आगे बताऊंगा मैं आपको, ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन ये सारे y को प्लस बना देता है। बताओ मैंने बोला y की वैल्यू है मैग्नीट्यूड x, इसका मतलब समझ में आना चाहिए y हमेशा पॉजिटिव है सर, क्योंकि तुम अगर x की जगह x तो कुछ भी हो सकता है, x में 2 लिखा तब भी y की वैल्यू 2 आई, और x में -2 लिखा तब भी y की वैल्यू 2 आई। मतलब ग्राफ y का ऐसा होना चाहिए कि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और y पॉजिटिव तो केवल यही होता है सर, तो ग्राफ केवल इसके ऊपर ऊपर ही दिखना चाहिए। मॉडुलस कोई भी मॉडुलस का ग्राफ है तो वो हमेशा इस x एक्सिस के किधर दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। तो हम उसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। मिरर इमेज का मतलब छोटे छोटे से ज्ञान है, उन्हें अगर आपको याद रह जाए तो आप देख लेना, ये y था ये x था, मेरे को y बराबर x की लाइन ऐसे होती है। वैसे ये कौन सी लाइन थी, y बराबर x, क्योंकि ये किधर झुकी हुई थी, प्लस x की तरफ। लेकिन सर अगर y बराबर मॉडुलस x कर दिया, इसका मतलब सारे y को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसलिए क्या इस लाइन के लिए y नेगेटिव था, हाँ ये वाली y नेगेटिव था, तो इसी की यहाँ पे मिरर इमेज ले ली, यहाँ पे रखा एक शीशा, इसकी इमेज बनाओगे तो किधर आ जाएगी, ऊपर। ये हो गया ख़त्म, और वो ग्राफ आ गया अपने पास, समझ रहे हो। कल को पैराबोला होता, परवलय होता ऐसे, अभी ये y में कुछ दिया होता, मान लीजिए y में दिया होता, y की वैल्यू होती कुछ क्वाड्रेटिक में होती ना, द्विघात समीकरण होता कुछ x स्क्वायर में, ऐसा कुछ होता। लेकिन अब मैं इसमें मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा देता, सर अब y कभी नेगेटिव नहीं होगा, और y नेगेटिव नहीं होगा तो ये जो x एक्सिस है इसी से इसकी मिरर इमेज ले लो, तो ये जितना नीचे था उतना ही किधर आ जाएगा, ऊपर, ये कर दो गायब। क्या अब y हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, दिख रहा है हमेशा पॉजिटिव। याद करना है कि अगर y हमेशा पॉजिटिव है तो आप x एक्सिस के अबाउट उसकी क्या ले सकते हो, इमेज ले लो भैया, इमेज। y पॉजिटिव है, मॉडुलस से कोई भी फंक्शन बनाया हुआ है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है,
तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसे बड़े से कोई उटपड़ंग फंक्शन होंगे तब तो और भी देखना पड़ेगा। छोटे छोटे फंक्शन की बात चल रही है अभी, जैसे मॉड के अंदर x माइनस वन लिख दिया, मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स लिख दिया, आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही। अब वो स्ट्रेट लाइन को क्या कर लोगे, ऊपर कर देना, जो नीचे वाला पार्ट होगा ऊपर चला जाएगा। बाकी ग्राफ तो बहुत सारे बनेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप इसी में इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार और, थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, लेकिन बिना कष्ट के तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, लिखते चलिए। y की वैल्यू लिखिए, मॉडुलस x माइनस वन। ग्राफ बनाना भैया इसका, बना दो फटाफट। बताओ आप ये बताओ, y की वैल्यू या तो मैं x माइनस वन लिखूँगा या तो मैं माइनस x माइनस वन लिखूँगा। बताओ y की वैल्यू x माइनस वन क्यों लिख दी सर आपने? क्योंकि x माइनस वन आपने जीरो से क्या माना होगा? बड़ा। अगर अंदर वाला नंबर जीरो से बड़ा है तो पूरा नंबर पॉजिटिव ही है, मॉडुलस कुछ नहीं करेगा। अगर अंदर वाले नंबर को तुमने माना होगा जीरो से छोटा, मतलब अंदर वाला नंबर नेगेटिव, तो बाहर भी क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो ग्राफ आ गया अपने पास। ये बताओ ये वाई है, ये एक्स है, देख लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? स्ट्रेट लाइन आएगा। वाई की वैल्यू एक बार कितनी है? एक्स माइनस वन। फिर से वही बात बताओ मेरे को, यहाँ पे x की वैल्यू, ये ग्राफ किसके लिए बनाना है तुम्हें? केवल x 1 या 1 से बड़े के लिए। अगर x 1 होता तो क्या y 0 होता? तो यहाँ पे एक पॉइंट आया x 1 और y कितना हो गया? 0। समझ रहे हो गया? यही वो पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 1 है और जब x 1 रखा है तो y यहाँ पे कितना हो गया? 0। अब बताओ क्या m के आगे वाला नंबर प्लस में दिख रहा है? बनेगी तो स्ट्रेट लाइन ही, किधर झुकी हुई होगी? ऐसे बना दो भैया, ऐसे ही बनेगी लाइन। सर इसके इधर क्यों नहीं बनाया ये ग्राफ? क्योंकि ये ग्राफ केवल इसकी डोमेन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इससे छोटे पे ऐसे बना दो, ऐसे ही आएगा ये ग्राफ। आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे बताओ जब x की वैल्यू जीरो होती तो x की वैल्यू जीरो होने पे क्या ये वन दिख रहा है? x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वन दिख रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा? वन रहा होगा, तभी ऊपर ही आता है, ग्राफ बन जाएगा अपने पास। y हमेशा किस में दिख रहा है? पॉजिटिव में। याद रखना है अपने को भाई, मॉडुलस आप लिखना सीख लो तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें एक बार मैं मनी मन, वैसे तो आप कुछ बोल रहे होगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कष्ट और देना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़त्म कर लें अपन इसे, ताकि अगली क्लास में इसकी इक्वेशन और इनइक्वालिटी सॉल्व कर लें। इसका ग्राफ और बना दो बस, ताकि मैं आगे कोई भी प्रश्न पूछूँ ना तो कुछ लफड़े ना हो भैया। y की वैल्यू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू दिया हुआ है, तो इसका हमें बनाना है ग्राफ या वक्र। बताइए फटाफट, पहले मॉड से पूछिए कि भाई तू अपना साइन कब चेंज करता है? जहाँ जीरो होगा वहीं पे साइन चेंज करेगा, तो ये भाई अपना साइन कहाँ चेंज करेगा? वन पे। और अगला भाई अपना साइन कहाँ चेंज करेगा? टू पे। तो यहाँ पे तीन डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी, एक से छोटे होने पे ये कैसा रहेगा, एक से दो के बीच में ये कैसा रहेगा, और दो से इन्फाइनाइट या अनंत तक ये कैसा रहेगा। बताइए बिल्कुल प्यार से बताइए, ऐसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में, मतलब माइनस इन्फिनिटी से वन, बोलो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में जीरो आता है क्या? तो जीरो डाल के देख लो, जीरो माइनस वन ये कितना हो जाएगा? माइनस। तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। इसमें भी जीरो लिखोगे, ये भी माइनस, तो ये भी कितना आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस टू। सुन रहे हो क्या? जब एक्स की वैल्यू मैंने माइनस इन्फिनिटी से वन तक मानी है तो मैंने जीरो ले लिया, जीरो लेके आ गया। इसको सुंदर भी बना लो, क्योंकि अपने को ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है। तो ये आ गया कब? जब x कहाँ से कहाँ तक है? माइनस अनंत से एक तक है। उसके बाद x की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक लोगे? एक से दो, एक से दो के बीच में कोई नंबर, डेढ़ ले लो, डेढ़ ले लो, डेढ़ माइनस एक ये प्लस में आ गया, प्लस में आ गया तो कितना हो गया भैया? x माइनस वन। और आगे बताओ, डेढ़ लोगे अगर तो डेढ़ माइनस दो नेगेटिव हो गया, तो खुद से भी एक नेगेटिव लगा दो। क्या बन गया ये? y की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से? x माइनस एक्स कैंसिल ही हो गया, तो टू माइनस वन वन आ गया शायद ये।
ठीक है ना, ये माइनस एक्स अंदर जाएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो, ये टू माइनस वन वन आ गया, वन से टू के बीच में, और क्या हो गया, एक्स टू से इन्फिनिटी के बीच में, दो से बड़ा दस ले लो भाई, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो आ गया अंदर, x माइनस वन एक्स माइनस टू कितना आ रहा है भाई, टू एक्स माइनस थ्री। ये मेरे पास ना तीन इक्वेशन आई है, ये रही एक, ये दूसरी, ये तीसरी, और मेरे को इक्वेशन की जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, मैं मॉडुलस देखते ही देखूंगा क्या x की सारी पावर वन ही है क्या, कोई x मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा है, ग्राफ तो सर स्ट्रेट लाइन ही आना था। अब ये है तो और अच्छा बन जाएगा, ये नहीं होता तब भी बनता ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनता उसके लिए आप फटाफट ये, क्योंकि अपने को ग्राफ बनाना है, ये बनाया अपन ने y और ये बनाया अपन ने x, अपन ने कुछ पॉइंट लिए थे, कौन कौन थे, एक और दो, तो एक पॉइंट एक ले लेना, एक पॉइंट दो ले लेना, और एक और दो पे बताइए एक पे वैल्यू कितनी है, एक पे वैल्यू लिखोगे तो ये जीरो और वन माइनस टू यानी वन ही आ जाएगी, वन आ गई। दो पे वैल्यू, दो पे वैल्यू देखोगे तो दो माइनस दो जीरो, दो माइनस एक फिर वन, क्या ये भी वन है, क्या ये भी वन है, क्या स्ट्रेट लाइन ही आनी थी, तो क्या इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन यही रहेगी, मतलब एक से दो के बीच में वैल्यू हमेशा एक रही होगी, वो एक है, जरूरत नहीं थी इसकी, वो तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे, वो तो केवल डिफाइन करके बताया कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है तुम्हें। अच्छा भैया दो से आगे दस ले लो, दो से आगे कोई नंबर दस ले लो, दस माइनस दो आठ, आठ और नौ सत्रह, सत्रह ऊपर कहीं आएगा, ऊपर कहीं आएगा, ऐसे जोड़ दो भाई। एक से छोटा कोई नंबर जीरो ले लो भाई, जीरो माइनस एक मतलब तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा ना जीरो रखने पे, तीन भी एक से ऊपर ही आएगा, ऐसा आ गया ग्राफ भाई। इस ग्राफ आने से फायदे ही फायदे हैं, मैंने बोला ना मैं आपको बोलूंगा इसकी वैल्यू के बराबर है, और मैं बोलूंगा आप बताइए के की वो वैल्यू जिसके लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो बोलना के एक से छोटा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, के एक के बराबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन, के एक से बड़ा दो सॉल्यूशन, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, क्वेश्चंस करेंगे इसके अपन, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस करेंगे कल मॉडुलस की इक्वलिटी इनइक्वलिटी, एक मॉडुलस बराबर दूसरा मॉडुलस और एक मॉडुलस बड़ा छोटे दूसरे मॉडुलस से, वो करेंगे कल। तो कल मॉडुलस खत्म होगा, उसके बाद भी बेसिक मैथ्स में एच सी एम एल सी एम और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम इक्वेशन सॉल्व करनी, कुछ चीज़ें बतानी है जो जनरल काम करेंगी, तो वो इस हफ्ते में मानो खत्म करूंगा मैं, फिर चैप्टर चालू करेंगे, मिलते हैं अपन, मस्त रहो आप, मजे करो एकदम।